द स्पीड ऑफ अ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू द टोटल टाइम ऑफ 6/7 आवर फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम. यहाँ पे 6/7 भी होगा. ओके दोनों जगह लिख दिया हूँ. तो क्या करना है वाला क्वेश्चन को, सबसे पहले देखना है स्पीड दिया है कितना. स्पीड गिवन है मेरा क्वेश्चन में कितना, 12 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस गिवन है मेरा कितना, 18 किलोमीटर. और टाइम गिवन है मेरा कितना, 6/7. 6/7 को मैं 48/7 लिख सकता हूँ आवर्स. तो अभी क्या करना है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम को मान लेते हैं एक्स. ओके तो डिस्टेंस क्या, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड क्या है 12, डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस होता है, यानी कि स्पीड 12 माइनस एक्स. ये समझ में आ गया. टोटल डिस्टेंस क्या है 18, पहले डाउन स्ट्रीम का कर दे, प्लस अप स्ट्रीम में भी 18 है डिस्टेंस, इक्वल्स टू मेरा टाइम टेकन 48. अब इसको करना है सॉल्व और मेरा जो एक्स का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा. ओके तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो नीचे में आएगा मेरा कितना, LCM 12 प्लस एक्स एक, और दूसरा हो जाएगा मेरा एक 12 माइनस एक्स. यहाँ पे करेंगे 18 से 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स कट जाएगा 18 से 12 माइनस एक्स, फिर 18 से माइनस माइनस कट गया 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 48/7. ओके इसको फर्दर करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 216, 18 इंटू 12 216 माइनस 18x प्लस 216 प्लस 18x नीचे आएगा मेरा 144 माइनस 12x प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 48/7. देखिए 18 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया. फर्दर करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 432 बाय नीचे क्या होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर होगा मेरा 48/7. 48 9 टाइम्स, तो ये करके मेरा आ जाएगा 63 को एक्स इधर ही होगा, 63 उधर जाएगा, 144 माइनस 63 81, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 81, तो एक्स इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 9. ओके 9 मेरा होगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर.